फ्रेंड्स, क्या आपने नेगेटिव लोगों के साथ कभी डील किया है? मुझे पता है कि काफी लोग सोच रहे होंगे कि दिग्विजय, हम हर रोज करते हैं नेगेटिव लोगों के साथ डील, राइट? मैं आज ये वीडियो में आपको, मैं जिस तरीके से डील करता हूँ नेगेटिव लोगों के साथ, वो कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर फ्रेंड्स सही तरीके से उसको किया जाए तो मुझे लगता है कि आप किसी भी नेगेटिव इंसान के साथ बहुत अच्छी तरीके से और सही तरीके से डील कर पाओगे, राइट? अगर जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा देखिएगा, स्टे ट्यून्ड, लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। हाय, मैं हूं दिग्विजय जाला और आप सबका स्वागत है मेरी चैनल पे। मैं देखो, नेगेटिव लोग जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं मेरे हिसाब से। एक ऐसे नेगेटिव लोग जो कोई सिचुएशन की वजह से, या कोई अभी कोई रिसेंटली कोई एक्सपीरियंस हुआ है, या पास्ट में कोई एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो पर्टिकुलर मैटर के लिए वो नेगेटिव है या उनका माइंडसेट नेगेटिव हो गया है। एक ऐसे लोग होते हैं, वो हर बात पर नेगेटिव नहीं होते, वो पर्टिकुलर एक एरिया ऑफ देयर लाइफ और एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर मैटर के बारे में नेगेटिव होते हैं बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस या कोई सिचुएशन की वजह से। और दूसरे किस्म के नेगेटिव लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिव ही होते हैं, यानी आप कुछ भी कर लो उन लोगों के साथ, आप चाहे जो भी सोच सको वो कर लो, वो नेगेटिव ही रहेंगे। तो ये दो टाइप के लोग हुए। अभी मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले टाइप के लोगों के बारे में, कि जो कोई सिचुएशन की वजह से नेगेटिव हुए हैं। देखो फ्रेंड्स, कभी भी आप किसी के साथ इंटरेक्ट करो और आपको पता चलता है, देखो, क्योंकि ये ऐसे लोग हमारे फैमिली में भी हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, हमारे कोई अच्छे फ्रेंड भी हो सकते हैं, कि जिनको कोई एक्सपीरियंस हुआ है या ऐसा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस उनकी फैमिली में हुआ है, या कोई उसके वर्किंग लाइफ में, या कहीं भी, उनकी वजह से वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो नेगेटिव है। जब भी आप ऐसे इंसान को मिलो और बात निकले, तो सबसे पहला आपको खुश हो जाना है। मैं आपको बताता हूँ खुश क्यों होना है, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखो, दो बात ध्यान से समझ लेना। पहला, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी लिसनिंग स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, पीपल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो ऐसे लोगों के साथ। मैं आपको अभी बताता हूँ इन अ मिनट। और दूसरा है कि आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। देखो, एक बात समझ लो फ्रेंड, कि जब भी आप ऐसे इंसान को मिलते हो ना, तो उनको ध्यान से समझो, क्योंकि वो सब बातों में नेगेटिव नहीं है, वो कोई पर्टिकुलर बात को लेकर नेगेटिव है। तो उनको अच्छी तरीके से क्वेश्चंस करो, आप उनको ध्यान से सुनो, और आप अपना पूरा कोशिश करो कि आप उनको ट्रांसफॉर्म कर पाओ नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट की ओर। देखो, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, आप उसको एक चैलेंज के तौर पर ले सकते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने की मिलेगी। ये रही पहली बात। लेकिन द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड, आप जरा सोचिए कि आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, क्योंकि जब भी जैसे ही उनका माइंडसेट ट्रांसफॉर्म होगा फ्रॉम नेगेटिव माइंडसेट टू पॉजिटिव माइंडसेट, वो इंसान आपका फैन हो जाएगा, वो इंसान आपको हमेशा आपकी बहुत वैल्यू करेगा, आपको अपना अच्छा फ्रेंड समझेगा, कभी भी लाइफ में ज़रूरत पड़ी तो वो आपको हेल्प करेगा, या हमेशा वो आपके साथ रहेगा, उनका दिल आप जीत लोगे। समझ गए बात? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, यहाँ नज़दीक में ही रहता है, कुछ दिन पहले उसके साथ मुलाकात, हम दोनों मिले थे। वो कॉन्स्टेंटली जब भी मिले, एक घंटा हमने करीबन एक डेढ़ घंटा साथ में स्पेंड किया होगा, लेकिन उससे करीबन जितने भी बातें करी ना, वो सब उसने बातें करी कि यार जॉब में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं जॉब चेंज करने का सोच रहा हूँ, पता नहीं मेरा बॉस ऐसा है, मेरा पे अच्छा है, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। और मुझे पता है कि उसकी जॉब बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं जानता हूँ उसका पे भी बहुत अच्छा है, उसकी कंपनी भी बहुत, घर से बहुत नज़दीक है, आराम से जा सकता है, आ सकता है। देखो, मैंने सिंपल सा, मैंने क्वेश्चनिंग स्किल्स का यूज़ किया, मैंने उसको क्वेश्चन किया कि यार तुझे पे हर मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ तुझे पे मिल जाता है? बोलता है हाँ, पे मुझे मिल जाता है। अच्छा, तुझे हॉलीडेज़ मिलती हैं? बोलता है हाँ, मुझे हॉलीडेज़ भी मिलती हैं। मैंने पूछा व्हाट अबाउट सिक पे? बोलता है हाँ, मुझे सिक पे भी मिलता है। अच्छा, ओके, सो आपको सैटरडे संडे तो काम करना पड़ता होगा, राइट? यानी ऑल सेवन डेज। बोलता है नहीं, मुझे तो मंडे टू फ्राइडे ही मुझे काम करना होता है, सैटरडे संडे मुझे काम नहीं करना होता है। अच्छा, देखो, मैं जैसे जैसे ऐसे क्वेश्चंस उसको करता गया, उसने करीबन मुझे 15 से 16 ऐसी चीज़ बताई जो उसके जॉब के बारे में अच्छी थी। आखिर उन्होंने कहा यार तो तुझे प्रॉब्लम क्या है? मुझे बोलता है यार वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मेरा बॉस। मैंने बोला तो जाके बात कर ले उसके साथ, तुझे जो प्रॉब्लम है उसको यार वैसे तो बात सही है, ऐसी जॉब कहाँ मिलने वाली है, इतना अच्छा पे है, घर के नज़दीक है। देखो, अभी वही बंदा पॉजिटिव बोलना शुरू हो गया उसकी जॉब के बारे में, और बोलता है नहीं यार अभी तो कुछ साल में काम करूंगा, शायद मेरा प्रमोशन भी हो सकता है। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, कि आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चंस करें, और उनको हेल्प करें कि नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट की ओर वो आगे बढ़े। ये बहुत आपको फ़ायदा होगा, और एक आपको सुकून मिलेगा कि आपने किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करी, आपने वो बंदे को हेल्प करी जहाँ जब उसको ज़रूरत थी। ओके, तो ये रही ऐसे जो नेगेटिव इंसान है उसके बारे में। अभी दूसरे किस्म के नेगेटिव लोग होते हैं कि ये जो भी मैंने बोला ना, आप वो सब 10 बार भी कर लोगे ना, वो नहीं समझेंगे। समहाउ उनका माइंडसेट ऐसा ही रहेगा
मैं पर्सनली सिंपल सी एक चीज़ करता हूँ कि मैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ। मैं उनको अवॉइड एज सच नहीं करता हूँ, या ऐसा नहीं कि उसके साथ रिलेशनशिप कर इन्होंने उसको कट कर दो, कुछ भी नहीं। सिंपल सा उनसे डिस्टेंस मेंटेन करो, उनके साथ बातों में उलझो मत, उनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश भी मत करो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हो तो मैं नॉर्मली एक चीज़ करता हूँ, अगर मैं मुझे इंटरेक्ट करना ही पड़ा तो मैं एक चीज़ हमेशा पूछ लेता हूँ बीच में उनको काट के कि यार तू जो भी बोल रहा है उसमें अच्छा क्या है। देखो ये सिंपल सा एक सिंपल सा लॉजिक एक टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको, जब भी लगे कि यार बहुत हो चुका है इसका, सिंपल सा पूछो कि तू जो भी बात चल रही है किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में, किसी रिलेशनशिप के बारे में, उनको सीधा पूछो कि यार उसमें अच्छा क्या है। जैसे ही आप ये क्वेश्चन करोगे उसको वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार क्या अच्छा है, और उसका माइंडसेट शायद चेंज हो सकता है, या तो एटलीस्ट नेगेटिविटी से तो आप दूर हो ही सकते हो उस टाइम के लिए। ओके, सो ये रही जैसे मैं डील करता हूँ लोगों के साथ। मैं आशा करता हूँ कि उसमें से आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट टाइम आप किसी भी नेगेटिव बंदे से मिलो, प्लीज़ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करें। और अगर ऐसे नेगेटिव इंसान से मिलते हो कि यार वो हमेशा से नेगेटिव है, उसके साथ अपना टाइम वेस्ट ना करें, डिस्टेंस मेंटेन करें एंड मूव ऑन। ऑलराइट, होप यू लाइक, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक थैंक यू वेरी मच।